हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लस्टर करियर चैनल में। और आप सभी को एक बार दोबारा से मौका मिल गया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और उसमें बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, पहले तो इन्होंने 20 जुलाई कर दिया था जब नोटिफिकेशन आया था रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। 20 जून को आया था, जैसे कि उन्होंने बोला उसमें 20 जून से 20 जुलाई तक रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट फिर जैसे ही अगले दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो फिर एक और अपडेट आया कि 4 जुलाई कर दिया गया है। तो आज 4 जुलाई है, तो आज ही एक और नोटिफिकेशन आ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी वो एक्सटेंड कर दी हैं। सो फटाफट से जान लेते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कि क्या नई डेट्स हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 4 जुलाई थी, सभी के लिए 4 जुलाई थी शाम 5 बजे तक, बट अब एक्सटेंड करके 18 जुलाई 2020 कर दी गई है शाम को 5 बजे तक। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम, सभी कोर्सेज के लेवल के लिए 18 जुलाई 2020 कर दी गई है। आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या फिर फ़ी पेमेंट नहीं की थी, या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था, तो आप कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक डाउट बना हुआ है कि मैंने सेंट्रल का अप्लाई किया है, मेरे पास अभी आया नहीं है, तो मैं क्या करूँ। आप एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप मिलती है, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अपलोड कर सकते हो, और एडमिशन के टाइम पे आप अपने सर्टिफिकेट को दिखा के एडमिशन ले सकते हो। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सभी रजिस्ट्रेशन अच्छे से कीजिए, कोई गलती मत कीजिए। और एक और अपडेट था कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपना पेमेंट कर दी है विदाउट सेल्फ अटेस्टेड 10th मार्कशीट, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और उनको बिल्कुल भी पेमेंट करने की, दोबारा से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तभी ये अपने आप दोस्तों के पास आपके पहुँच जाएगी। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।